नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम लोग 25 मई की ग्रह स्थिति देखते हैं। सूर्य और शुक्र वृषभ राशि में, मिथुन राशि में बुध का प्रवेश हो चुका है, राहु पहले से है और चंद्रमा भी मिथुन राशि में आ चुका है। केतु धनु राशि में, शनि और बृहस्पति मकर राशि में और मंगल कुंभ राशि में गोचर में। ग्रहों की स्थिति एक बार और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हुई है, क्योंकि बुध का तो जो घर परिवर्तन है वो स्वगृही हुए हैं, ये एक बड़ी अच्छी स्थिति है, लेकिन वहां पहले से राहु बैठे हैं और चंद्रमा आ गए, तो एक ग्रहण योग और बुध का अस्त होना, ये सारी चीजें खराब स्थिति में दिखा रही है। इसके अलावा शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये तीनों वक्री गति से चल रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति है, बहुत बच के पार करिए हर दृष्टिकोण से। राशिफल शुरू करते हैं। मेष राशि, आप द्वारा किया गया पराक्रम आपको सफलता दिलाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी है, व्यापार की स्थिति अच्छी है, प्रेम की भी स्थिति अच्छी कही जाएगी, आप सही चल रहे हैं, बस एहतियात जरूर बरतिएगा। काली वस्तु का दान करना आपके लिए उचित रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, जुबान अनियंत्रित रहेगी, गंदी भाषा के प्रयोग से बचें और नेत्र विकार, पूंजी का निवेश ना करें, ये सारी चीजों पे। प्रेम की स्थिति भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा अभी भी बच के पार करें, काली वस्तु पास रखें और गणेश जी की वंदना करें, अच्छा होगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि की स्थिति एक तरीके से थोड़ी सी सुधार की तरफ है, लेकिन अभी दो दिन उसका लाभ नहीं मिलेगा। नरम गरम बने रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, उदर रोग से परेशान रहेंगे। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार तीनों मध्यम गति से चल रहा है, गणेश जी की वंदना करें, अच्छा होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य ठीक नहीं दिख रहा है, बेकार के पछड़ों में पड़े रहेंगे, नेत्र विकार, कर्ज की स्थिति, प्रेम ठीक ठाक है, व्यापार मध्यम है, बजरंग बली का आह्वान करें, अच्छा होगा। सिंह राशि, रुपए पैसे के मामले में अच्छा समय, स्वास्थ्य भी ठीक है, प्रेम की स्थिति अच्छी नहीं है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, राज्य एवं सत्ता पक्ष का लाभ मिलेगा आपको, स्वास्थ्य भी ठीक है, प्रेम की स्थिति अभी मध्यम रहेगी, हरी वस्तु पास रखें। तुला राशि, परिस्थितियां थोड़ी अनुकूल हुई है, स्वास्थ्य अभी वैसे ही है, बहुत अच्छा नहीं है, प्रेम की स्थिति और व्यापार की स्थिति भी अभी मध्यम है, मन को थोड़ा कंट्रोल करके चले और मां काली का आह्वान करें, अच्छा होगा। वृश्चिक राशि, चोट चपेट लग सकता है, किसी परेशानी में पड़ सकते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल है, स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार तीनों का ध्यान रखें, मां काली का आह्वान करें, अच्छा होगा। धनु राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, कोई भी नए रोजगार के अभी बारे में मन ना सोचे, उदर रोग से परेशान रहेंगे, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों मध्यम दिख रहा है, कोई रिस्क ना ले, पीली वस्तु पास रखें। मकर राशि, रोग ऋण शत्रु पर भारी पड़ेंगे, लेकिन कोई अभी बहुत रिस्क लेने लायक नहीं है, आप स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों अभी मध्यम गति से चल रहा है, गणेश जी की वंदना करें। कुंभ राशि, निर्णय अभी ना लें, किसी भी तरह के नव सृजन ना करें, पुराने निर्णय पे ही चले, भी नया निर्णय भी ना करें, स्वास्थ्य, प्रेम और व्यापार तीनों मध्यम चल रहा है, गणेश जी की वंदना करें। मीन राशि, भूम भवन वाहन की खरीदारी में परेशानी आ सकती है, मां के स्वास्थ्य पे ध्यान दें, व्यापार अभी मध्यम है और स्वास्थ्य भी मध्यम है, तो अभी दो दिन बचा के पार करें, पीली वस्तु पास रखें और काली वस्तु का दान करें, अच्छा होगा। नमस्कार।